ग्रीन चटनी यानी कि हरी धनिया और पुदीने की चटनी। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से सीखते हैं ये आसान सी और बेहद लज्जतदार चटनी किस तरह बनती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 100 ग्राम हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 जवे लहसुन के, लगभग 30 ग्राम पुदीने की पत्तियाँ, 10 से 12 हरे मिर्च, ज़रूरत के मुताबिक नमक, 2 टीस्पून दही। आप चाहें तो दही को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे एक कच्चा आम जिसे हमने छील कर काट लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आम थोड़ा पीला हो गया है क्योंकि ये बिना सीजन का आम है। ये स्वाद में हल्का सा मीठा होगा लेकिन इसका स्वाद भी आपकी चटनी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये तो आपने जान ली सामग्री चटनी की, अब इसे पीसते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी जार में टमाटर काट के डालेंगे। सबसे पहले हमने टमाटर इसलिए डाला है क्योंकि टमाटर पिसने के बाद पानी छोड़ता है। टमाटर के हल्के पानी में दूसरी चीज़ें भी अच्छी तरह से पिस जाएंगी। टमाटर के बाद हम डालेंगे अदरक, 10-12 कलियां लहसुन की, 2 टीस्पून दही, कच्चा कटा हुआ आम, 10 से 12 हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियां डालेंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। इतनी ही सामग्री को हम एक बार में पीस लेंगे। पूरी हरी धनिया हमें ठूस ठूस कर मिक्सी में नहीं डालनी क्योंकि इसकी वजह से सारी चीज़ें पीस नहीं पाएंगी। तो एक बार हम इसे पीस लेते हैं। एक बार मिक्सी चलाने के बाद सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पिस जाएंगी। इसके बाद आप बची हुई हरी धनिया आराम से डालकर चटनी पीस सकते हैं। तो लीजिए, हमारी चटनी पिसकर तैयार है और आप देख सकते हैं हमने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है और हमारी परफेक्ट चटनी बनकर तैयार है। इस ग्रीन चटनी को आप पकौड़ों के साथ, दाल चावल के साथ, सब्जी रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आराम से खा सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे किचन में बनाई गई ये खास चटनी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी खास रेसिपी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।